अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल. आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एम फाइल फंक्शंस के ऊपर और उसके सिंटेक्स के ऊपर. बिफोर मूविंग टू आवर टुडेज टॉपिक, उससे पहले मैं आप लोगों को इनकी टाइप्स के बारे में बताती चलूं कि हमारे पास एम फाइल की दो टाइप्स होती हैं, जिसमें हमारे पास एम फाइल स्क्रिप्ट है और एम फाइल फंक्शंस है. एम फाइल स्क्रिप्ट के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं. और आज हम उसी की दूसरी टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एम फाइल फंक्शंस हैं. सो एम फाइल फंक्शंस होते क्या हैं? एम फाइल फंक्शंस बेसिकली आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप अपनी कमांड खुद से जनरेट कर सकते हो. जैसे मैटलैब की बिल्ट इन कमांड्स मौजूद थी जो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. अगर आपने वो नहीं देखी वीडियो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप देख सकते हैं. सो उन बिल्ट इन कमांड्स में हम अपनी मर्जी से चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन एम फाइल फंक्शंस के थ्रू हम अपनी खुद की कमांड जो है वो जनरेट कर सकते हैं मैटलैब के अंदर. सो उसके लिए ये जो आपके पास फंक्शंस होते हैं, इनमें आपको कुछ इनपुट देना होता है जो कि आपका वो मैटलैब एक्सेप्ट करता है इनपुट को, और वो एज एन आउटपुट आर्ग्यूमेंट्स आपको आंसर्स प्रोवाइड करते हैं. दूसरी सबसे पॉजिटिव और प्लस पॉइंट इसका ये है कि आपके पास इसकी अपनी वर्क स्पेस होती है जो कि मैटलैब बेस्ड वर्क स्पेस से टोटली डिफरेंट होती है. ठीक है, उसके बाद आप इसमें अपनी कमांड्स को खुद से जनरेट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए. उसके बाद इनका जो मैटलैब आप जनरेट करते हो उसका जो स्टेटस होता है मैटलैब के अंदर, वो वही स्टेटस होता है जो मैटलैब कमांड्स का, बिल्ट इन कमांड्स का स्टेटस होता है. इसके अलावा इन एम फाइल फंक्शंस को क्रिएट करने के लिए कुछ सेंटेक्स यानी कुछ पॉइंट्स हैं, उनको माइंड में रखना जरूरी है. अगर उनमें आप थोड़ी सी भी चेंजेस करोगे या उसमें कुछ एरर या मिस्टेक लाओगे अपनी मर्जी से, तो वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो एरर देगा. सो उसके लिए हमारे पास एक डिफाइंड, वेल डिफाइंड सेंटेक्स मौजूद है, हमने उसी तरह से उसको लेके चलना होता है. सो आपने सबसे पहले जो फंक्शन फाइल है वो एक हेडर से स्टार्ट होती है. सो उसके लिए कुछ पॉइंट्स को माइंड में रखना जरूरी होता है. सो पहला पॉइंट जो है, उसमें आपने सबसे पहले एक फंक्शन का वर्ड यूज करना है जो कि function फंक्शन के नेम से है. इसके स्पेलिंग को भी आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकेंगे, आपने एज इट इज यूज करना है. सेकंड पॉइंट, आपके पास आउटपुट आर्ग्यूमेंट होता है जिसके लिए आपने स्क्वेयर ब्रैकेट यूज करनी है और उसके अंदर आपने अपना आउटपुट वेरिएबल यूज करना है. ठीक है, आप वेरिएबल यूज करना चाहते हो वो कर सकते हो, आप नेम यूज करना चाहते हो आप वो कर सकते हो, इट्स अप टू यू. अगर आपके पास एक आउटपुट आपको रिक्वायर्ड है तो आप एक ही लिखोगे, अगर आपके पास मल्टीपल दो या दो से ज्यादा हैं तो आप उसमें स्पेसेस देके अपने जो आउटपुट आर्ग्यूमेंट्स है वो यूज कर सकते हो. उसके बाद आप लोगों ने एक इक्वल्स टू का साइन यूज करना होता है. उसके बाद आपने फंक्शन का नेम देना होता है. ये फंक्शन का नेम आपने या तो सिंगल नेम के साथ देना होता है, अगर आप सिंगल नेम के साथ नहीं देना चाहते, आप के पास दो नेम्स हैं, तो वो आपने विदाउट स्पेसेस देना है. अगर आप स्पेस यूज करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपने em डैश यूज करना है जो कि हमारे पास अंडरस्कोर भी होता है. उसके बाद आपके पास इनपुट आर्ग्यूमेंट्स होता है जिसको आपने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होता है. ब्रैकेट्स भी आपने याद रखनी है, माइंड में रखनी है कि ब्रैकेट जो जो जहां पे जैसी यूज हो रही हैं वैसी ही यूज करनी है, अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकते. तो राउंड ब्रैकेट्स में आपने अपनी इनपुट डालनी है, वो इनपुट आपके पास एक है तो आप एक ही यूज करोगे, और अगर आप एक नहीं है मल्टीपल हैं तो आप मल्टीपल भी यूज कर सकते हो. सो ये आपके पास सिंटेक्स मौजूद होता है फंक्शन फाइल का जो कि डिफाइंड है. सो यहाँ पर आपने फंक्शन है, फिर आउटपुट है, फिर इक्वल्स का साइन है, देन आपका फंक्शन नेम है. फंक्शन नेम में आप स्पेस नहीं दे सकते हो, और अगर देना है तो अंडरस्कोर यूज करना है जो आपके पास em डैश है और उसके पास इनपुट है. एक और चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो फंक्शन नेम आपके पास मौजूद होता है आपने इसी नेम के साथ अपनी फंक्शन फाइल को सेव करना है. इसके अलावा अगर आपके पास किसी और नेम से सेव करोगे, लाइक आपका फंक्शन नेम और आपका फाइल नेम दोनों मैच नहीं कर रहे, तो ये तब भी एरर देगा, आपकी फाइल को रन नहीं करेगा. सो जो मोस्टली चीजें मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, वो एक तो फंक्शन नेम और फाइल नेम को सेव करने में मिस्टेक करते हैं. दूसरा, यहां पर आपने आउटपुट के लिए हमेशा स्क्वेयर ब्रैकेट्स यूज करनी है और इनपुट के लिए राउंड ब्रैकेट्स यूज करनी है, आप कोई और ब्रैकेट्स इनके अलावा यूज नहीं कर सकते हो. ठीक है, इसके बाद ये तो हमारे पास सिंटेक्स आ गया. उसके बाद हम एक एग्जांपल को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हमारे पास एक इक्वेशन मौजूद है और हम उसके लिए फंक्शन फाइल को लिखेंगे, और उस फंक्शन फाइल को लिखने के बाद हम लोगों ने उसको कैलकुलेट करना है x इज इक्वल्स टू 5 के लिए. और इसी फंक्शन जो हम कमांड्स को यहाँ पे बनाएंगे उसी को हम लोग अपने कमांड विंडो के अंदर जो है वो कॉल करेंगे. सो चलिए मूव करते हैं अपने मैटलैब की तरफ, वहां पे मैं आपको इसका ट्यूटोरियल देती हूँ.
ऑलराइट, ये हमारे पास इंटरफेस मौजूद है मैटलैब का, और सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट पे जाएंगे और वहाँ से हमने अपनी सबसे पहले फंक्शन फाइल को क्रिएट करना है. सो उसके लिए हमें स्क्रिप्ट पे जाना होगा. सो यहाँ से न्यू स्क्रिप्ट पे मैं क्लिक करूँगी तो मेरे पास एक एडिटर ओपन हो जाएगा. एडिटर ओपन होने के बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले अपना हेडर बनाने जा रही हूँ जो कि मेरे पास फंक्शन फाइल है. सो मैं अपनी सबसे पहले सेंटेक्स लिखूंगी. उसके लिए मेरे पास सबसे पहले वर्ड फंक्शन मैंने यूज़ किया, उसके बाद स्क्वेयर ब्रैकेट्स यूज़ की, और मैं यहाँ पर अपना एक आउटपुट आर्ग्यूमेंट यूज़ करूँगी जो कि मैं वाई ले रही हूँ. उसके बाद इक्वल्स टू का साइन यूज़ करूँगी, और उसके बाद मैं यहाँ पर नेम दूंगी इक्वेशन का, क्योंकि मेरे पास इक्वेशन मौजूद है तो मैं चाहती हूँ कि इक्वेशन का नेम दूँ. उसके बाद मैं राउंड ब्रैकेट यूज़ करना चाहती हूँ. आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, इसमें कोई जो है वो नहीं है, लेकिन जो भी आप यहाँ पर सेंटेक्स यूज़ करेंगे उसको फॉलो करना ज़रूरी है आपके लिए. उसके बाद मेरे पास एक आउटपुट आर्ग्यूमेंट है जिसको मैं एक्स का नेम दे रही हूँ. राइट, अब इस फंक्शन के बाद मुझे इस फंक्शन को एंड भी करना है, तब जाके ये रन होगा. राइट, अब ये जिसके लिए मैंने यूज़ किया है उसकी मैं इक्वेशन लिखने जाऊंगी इसके दरम्यान में. उसके लिए मैं यूज़ करूंगी y इज इक्वल्स टू 3.staric x डॉट हेड 3. यहाँ पर मैंने डॉट क्यों यूज़ किया है, ये डॉट क्यों यूज़ किया है और ऑपरेटर्स के साथ, तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ. उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वो देख लें. आपको एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत कंप्लीट दी है, आप लोगों को जो है वो नॉलेज हो जाएगा इसका. उसके बाद मैं प्लस का साइन यूज़ कर रही हूँ. देन आई एम यूजिंग 2.staric एंड देन एक्स डॉट हेड स्क्वेयर, उसके बाद माइनस एक्स एंड माइनस 6. तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन थी जिसको जो है वो मैंने फाइंड करना है. इसके लिए मैंने फंक्शन फाइल को क्रिएट किया है. अब मैंने इसको सेव करना है. सो सेव करने के लिए मैं इसको रन के ऑप्शन पे जा रही हूँ और मैं इसको चाहती हूँ डेस्कटॉप पे सेव करूँ. सो मेरे पास जो फाइल का नेम है वो मैं वही रख रही हूँ जो मेरे पास फंक्शन का नेम है. सो इक्वेशन लिखी और डॉट एम की एक्सटेंशन है, मैं इसको यहाँ पर सेव करूँगी. सेव होने के बाद जब ये रन करेगा तो ये आपको एरर देगा. राइट, तो यस, एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि आपने अभी तक फंक्शन को कॉल नहीं किया. आपने ये जो फंक्शन यूज़ किया है इसमें आपने इनपुट नहीं असाइन किया. तो अब मैं यहाँ पर इसको कमांड विंडो के ऊपर कॉल करने जा रही हूँ, तो उसके लिए मैं इसी फंक्शन को एज इट इज़ यूज़ करूँगी विदाउट ब्रैकेट्स. मैं वाई ले रही हूँ, वाई के बाद मैं इज इक्वल्स टू का साइन यूज़ कर रही हूँ और वही इक्वेशन का नेम दूंगी. और उसके बाद मैं अपनी राउंड ब्रैकेट्स है और मैं यहाँ पर 5 ले रही हूँ क्योंकि मुझे x इज इक्वल्स टू 5 के लिए अपने इक्वेशन का आंसर फाइंड आउट करना है. सो मैं जब इसको एंटर करूँगी तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें y का आंसर प्रोवाइड कर दिया है. सो इस तरह से हम अपने फंक्शन को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, फंक्शन फाइल को. और ये आप लोगों के सामने एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल मौजूद है. नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसकी मज़ीद एग्जांपल्स को शेयर करूंगी फंक्शंस की, जिसमें हमारे पास डिफरेंट एक इनपुट होगी और हमारे पास डिफरेंट आउटपुट्स हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी मैं एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. सो आज के लिए इतना ही था. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़.